तो 7 मार्च को होगा आखिरी रण, लेकिन इन रण से पहले आखिरकार जो वोट प्रतिशत है क्या वो संकेत दे रहा है कि 10 मार्च को नतीजे क्या आने वाले? क्या ये वोट प्रतिशत बता रहा है कि आखिरकार किसका राज तिलक होने वाला है? 2022 के नतीजों से पहले क्या ये वोट प्रतिशत संकेत दे रहा है कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है? यूपी में आखिरी चरण का चुनाव होना है, रण होना है, 10 मार्च को नतीजे आने हैं, मगर उससे पहले ये वोट प्रतिशत जिसको लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियां हो रही हैं, आकलन हो रहा है, आंकड़ों की कहानी है और दिग्गजों की जुबानी है। आज तमाम दिग्गज और उनसे समझेंगे कि ये वोट प्रतिशत कहता क्या है। मैं उन एक एक करके साल दर साल आंकड़ों का जिक्र करूंगा जिस वोट प्रतिशत के भीतर सत्ता को बदलने की या सत्ता की वापसी लाने की कहानी छिपी है। मतदान प्रतिशत कहता क्या है और लगभग 53% के आसपास वोटिंग का जिक्र किया जा रहा है। बंपर वोटिंग की उम्मीद थी, मगर वोटिंग कम होना संकेत क्या देती है? सपा के नजरिए से, बीजेपी के नजरिए से, बीएसपी के नजरिए से, क्योंकि लगातार हम ये बात कह रहे हैं, हम बीएसपी को नजरअंदाज हरगिज नहीं करते। भले ही चुनावी चर्चा, चुनावी बहस से बीएसपी बाहर दिखाई दे रही हो, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर उतरे, उन्होंने बताया कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कई दौर में जो चुनाव हुए और खासतौर पर दूसरे और छठे चरण में, कई सीट ऐसी है जहां पर बीएसपी सीधे टक्कर दे रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है। इसके साथ साथ जो अभी मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, जिन्हें आप तमाम न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, उनसे मैं समझूंगा कि आखिरकार ये कम वोट प्रतिशत के मायने क्या है, उनका आकलन क्या है, उनका नजरिया क्या है। वो भी इसलिए कि मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रहा मैं आगरा का जिक्र नहीं कर रहा, लखनऊ का जिक्र नहीं कर रहा, नोएडा का जिक्र नहीं कर रहा जहां मैं बैठा हूं, ना मैं गाजियाबाद का जिक्र कर रहा हूं, मैं ग्रामीण इलाकों का जिक्र कर रहा हूं जहां पर माना जाता है कि पिछड़ों की राजनीति का असर है। अब ये पिछड़े किसे अपना अगड़ा बनाएंगे, इसको लेकर भी ये आंकड़े क्या कुछ संकेत और संदेश देते हैं। और राजनीति में फ्री का राशन, फ्री की वैक्सीन, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का जिक्र, क्या यह ग्रामीण इलाकों में असर डाल रहा था? अगर डाल रहा था तो फिर यह वोट प्रतिशत कम क्यों है? क्या इसके पीछे एक पहलू यह भी है कि जो फ्री का राशन दिया जा रहा था, फ्री की वैक्सीन का जिक्र किया जा रहा था, फ्री की बिजली का जिक्र किया जा रहा था, यह वो वोटर बाहर निकला है सत्ता के पक्ष में, या फिर जनता यह समझ चुकी है कि फ्री का कुछ नहीं मिलता? इसके साथ साथ दूसरे चरण की कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, क्या मायावती के पास सत्ता की चाबी होगी? किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में मायावती होंगी। एक उदाहरण छठे चरण का मैं देता हूं, अंबेडकर नगर जिला, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला, 5 सीटें, पिछली बार बीएसपी ने 3 सीटें जीती थी जब सुनामी थी, आंधी थी। इस बार ग्रामीण इलाकों में कम मतदान क्या कोई संकेत देता है? 22 से 25% दलित वोटर यहां माने जाते हैं। इसके साथ साथ खासतौर पर मैं निषाद का जिक्र करूं या फिर राजभर का जिक्र करूं, जो वोटर मजबूत वोटर माने जाते हैं, माना जाता है कि यह वोटर घर से बाहर निकलकर वोट करता है अपनी पार्टी के पक्ष में, लेकिन इस बार यह वोट प्रतिशत संकेत क्या देते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सपा को मजबूत करने के लिए आए, लेकिन क्या इनका असर दिखाई दिया?
धरातल पर? और क्या वाकई में 90 के दशक वाला मंडल और कमंडल का दौर भी दिखा? वोट प्रतिशत की कहानी कहती क्या है? दिग्गजों की जुबानी तासीर क्या है? 2002 54%, 2004 2007 जिनका मैं आंकड़ों का जिक्र करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने खास मेहमानों को आपसे आज तारुफ करवा दूं। हमारे साथ सबसे पहले आज खास तौर पर आमंत्रित किया है मैंने दो खास मेहमान, प्रेम जी जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपने तजुर्बों से बताएंगे कि आखिरकार ये आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी क्या है, और विपिन शर्मा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इन आंकड़ों की कहानी को, इस गणित को समझाएंगे, सुलझाएंगे कि आखिरकार 10 मार्च से पहले ये नतीजे क्या कोई संकेत दे रहे हैं। 403 सीटों में से 349 सीटों पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, ईवीएम में उनके भाग्य का फैसला कैद हो चुका है, साथ ही साथ अब 54 सीटों पर मतदान बाकी है, और साथ ही देवेंद्र प्रमुख मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं प्रेम जी आपसे साथ करना चाहूंगा और कुछ आंकड़ों के साथ। पहले चरण का चुनाव लगभग 62% के आसपास, 62.5% के आसपास मतदान, दूसरा चरण बड़ा वोटिंग परसेंटेज लगभग 65% के आसपास मतदान हुआ, फिर इसके बाद एकाएक ट्रेंड बदला, तीसरे चरण में 61% के आसपास मतदान, चौथे चरण में लगभग 60% के आसपास मतदान, पांचवा चरण लगभग 58% के आसपास मतदान, और फिर उसके बाद छठा चरण लगभग 56% के आसपास मतदान। ये क्या अंक गणित में क्या कहानी छिपी हुई है तिलक जी? ये जो आंकड़े आपने बताए इसमें पिछले बार के चुनाव जब हम तुलना करते हैं तो ये आंकड़े कोई नई कहानी नहीं कह रहे होते, क्योंकि उस बार भी पश्चिम से पूर्व तक बढ़ते इसी तरीके से मतदान का प्रतिशत गिरता चला गया था। हम फर्क देखते हैं कि पिछले बार और अब की बार में हर चरण में मतदान का फर्क क्या रहा, बढ़ा या घटा, तो हम घटता हुआ देख रहे हैं जी। अब तक पिछले जो 5 चरण थे उस समय तक एवरेज 1.1% वोट घटा, और जो छठे चरण में 0.58% घटा जी। अब इसका एवरेज निकालते हैं तो एक थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी 1% हम राउंड फिगर में मान ले कि इतना वोट प्रतिशत घटा है। अब इस वोट प्रतिशत के घटने को हमको आकलन करना चाहिए, और ये आकलन करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं जी। मैंने भी एक प्रवृत्ति देखी है, उसी हिसाब से इसको आकलन रखता हूँ जी। देखिए आमतौर पर धारणा ये होती है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार बदलती है, और वोट प्रतिशत गिरता है तो सरकार स्थिर रहती है। उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थिर रहना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, लेकिन हमने एक और प्रवृत्ति नोट की है खास करके भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कि भारतीय जनता पार्टी को तब तक फायदा होता है जब वोट प्रतिशत बढ़ता है। जब कभी भी वोट प्रतिशत गिरता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान 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 ही होता है। किसी भी उदाहरण में पिछले आप मुझे कोई उदाहरण देकर, हमारे दर्शकों को कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल, मैं उदाहरण पर आ रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण रखता हूँ जी, क्योंकि बहुत सारा उदाहरण नहीं रख सकते, एक उदाहरण मैं रखता हूँ और उसको आप देखेंगे समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में 2008 में 70.51% वोट पड़ा और बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, उस समय 0.79% वोट बढ़ गया था, ये बढ़ करके रिपीट हुई थी। 2013 में फिर वोट होता है, इस बार 6.62% वोट टर्नआउट बढ़ा, 6.62% और वोटिंग परसेंटेज हो गया 77.13। एक बार फिर बीजेपी की सरकार रिपीट होती है और 49 सीट्स लेकर के आती है, पिछले बार 50 सीट्स थी बीजेपी के पास। लेकिन 2018 में वोट प्रतिशत घट गया,
घट गया कितना, -0.68%। गौर कीजिएगा, वोट प्रतिशत घटा है और सिर्फ 0.68%। और इतने मात्र से छत्तीसगढ़ में 49 सीटों वाली बीजेपी 15 पर आ जाती है। ये आंकड़ा है जो इसी पैटर्न पर आप कई जगहों पे देख सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं, आप मुझे ये समझा रहे हैं प्रेम जी, आप यानी मुझे ये समझा रहे हैं कि ये वोट प्रतिशत कम होने का मतलब सरकार के लिए खतरे की घंटी, बीजेपी के लिए। मैं पैटर्न को चिन्हित करके बता रहा हूं कि बीजेपी के संदर्भ में ऐसे ही उदाहरण दिखते हैं हमको कि 0.68% घट गया छत्तीसगढ़ में, तो 49 से बीजेपी 15 पर आ गई। ये मैं बता रहा हूं। जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है बीजेपी हमेशा फायदे में रहती है। ये पूरा पैटर्न है, मैं उस पैटर्न को रख रहा हूं। बाकी जो दूसरे लोग दूसरे तरीके से देख सकते हैं, मैंने इस नजरिए से आपको समझाया। ठीक, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि 2002, 2004, 2007, 2009, 2012, 2017 और 2019 के आंकड़ों का भी जिक्र मैं आपसे करूंगा, क्योंकि अंक गणित में मेरे अंक बहुत कमजोर है, गणित बहुत कमजोर है, इसलिए मैं आप लोगों से समझ रहा हूं। लेकिन विपिन जी, मैं आपसे आपके पास आऊंगा। 2012 तक जो बीजेपी माना जाता था कि 14 से 15% के आसपास की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 2012 के बाद जो ट्रेंड बदला 39% तक, 2017 में बीजेपी ने वोट हासिल किए, ये उसका मत प्रतिशत रहा, और उसमें से 61% जो है वो बीजेपी के पाले में गए। अब वोट प्रतिशत में मान लूं ज्यादा से ज्यादा ताकत लगा के भी 60% के आसपास ये मतदान होता है, जो अब तक हुआ है वो 54% के आसपास है। ये क्या संकेत है, आपको क्या लगता है विपिन जी? विपिन जी, मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? मेरे को बिल्कुल आवाज साफ आ रही जी, है जी। विपिन जी, अपनी बात रखिए सर। जी जी जी, देखिए मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि पिछले, अगर हम 2017 की बात करें, तुलना जब करते हैं और किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की हम लोग जब प्रयास करते हैं, तो ये मद्देनजर रखने की पड़ेगी बात कि तब कोरोना नहीं था। अभी भले ही कोरोना की स्थिति हमने काबू कर ली है, 3 लहरें आई कोरोना की, पिछले वर्ष तो ये सुनामी बन के आया कोरोना, तो एक वो भी कारण हो सकता है कि अगर हम उसको बोले कि नहीं, लोगों ने ज्यादा जोश नहीं दिखाया या ये एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो थोड़ा मुझे लगेगा जल्दबाजी है। यहाँ पर अभी अपेक्षा यही थी, उम्मीद यही करी जा रही थी कि जितने प्रतिशत वोट हुआ है, और अगर हम ये बात तुलना करें कि पहले 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है पिछले के मुकाबले वो कम हुआ है, लेकिन अभी ये जो 2 चरणों में चुनाव हुआ है, आप 5वें और 6ठे की बात करें, तो यहाँ पर बिल्कुल अब स्थिति बिल्कुल सामान्य बन चुकी है। और अब तो सारी ताकत, क्योंकि ये कहना कि ये इसमें और भी, आपने क्योंकि शुरुआत में अपनी चर्चा में आपने बोला कि बहन जी भी इसमें पूरी तरह से दमखम में है और उनको मुझे महसूस हुआ, जो विपिन जी हम ग्राउंड जीरो पर गए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मायावती पूरी तरह से पिक्चर से बाहर नहीं है, जो मैं समझ पाया दूसरे और सेकंड लास्ट बोलना चाहता हूं। जी जी, देखिए ऐसा है कि वो निश्चित बात है, कभी भी किसी को कमजोर समझना नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे, कहने को वाम दल भी थे, कांग्रेस भी थी, लेकिन सीधी टक्कर जो कांटे की टक्कर थी वो भाजपा की और टीएमसी की थी, और अंत में वही साबित हुआ। तो यहाँ पर निश्चित बात है कांग्रेस भी है, प्रियंका वाड्रा भी हर जगह दिखाई देती हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने या उनकी पार्टी ने, और यही बहन जी की पार्टी ने भी पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि आप अगर किंग मेकर की बात करते हैं, तो निश्चित बात है अगर स्पष्ट बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देती तो वहां पर किंग मेकर की भूमिका में भाजपा ही आएगी। लेकिन एक बात बड़े जिम्मेदारी से, बड़े विश्वास से मैं बोलूंगा कि देखिए, जन सैलाब जिनकी भी रैलियों में उमड़ा है, अखिलेश यादव की रैलियों में जो जन सैलाब उतरा है, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि वो सारे बुलाए गए थे, तो ये बातें बिल्कुल बेतुकी होंगी। यहाँ पर भीड़ भी वोटों की गारंटी, भीड़ भी वोटों की गारंटी है क्या विपिन जी? मॉल में आप अगर मैं उसकी तुलना करूंगा मॉल्स में, मॉल में कई लोग जाते हैं, लेकिन कितना कन्वर्जन होता है, कितनी सेल्स होती हैं, वो भी जग जाहिर है। फुटफॉल्स कितनी, फुटफॉल्स तो बहुत होती हैं, लेकिन अंत में सेल्स में कितना कन्वर्ट होता है वो भी जग जाहिर है। तो यहाँ पर आज वाराणसी में किया उदाहरण ले लीजिए,
कि लोग कैसे जनसैलाब उमड़ा था और वो प्रधानमंत्री, और जब उनसे पूछा गया पत्रकारों ने, उन्होंने बोला हम तो दर्शन करने आए प्रधानमंत्री के, तो वोट देंगे नहीं देंगे अखिलेश यादव, ये लोग, ये सारे बड़े नेता अपनी जनता के लिए, अपने वोटर के लिए एक रोल मॉडल की तरह होते हैं और उनको लोग उनसे रूबरू होना चाहते हैं, उनके उनके उनको देखना चाहते हैं सामने, भले टीवी स्क्रीन पे वो रोज देखते हैं उनको। हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को देखने के लिए भीड़ तो इकट्ठी हो जाएगी, राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होगी, मोदी जी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन ये वोट की गारंटी नहीं है। वोट की गारंटी आपको मेरी बात आ रही है? जी जी बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल निश्चित बात है कि ये कोई गारंटी नहीं होती कि जितना जनसैलाब उमड़ा है तो वो सारा वोट डालेगा। कई लोग तो सिर्फ वैसे ही आते हैं देखने के लिए, और कई बारी तो विपक्ष के समर्थक भी आते हैं। तो ये बात है, ये कहना कि आप किसी एक उस पर निष्कर्ष में निकल जाए कि ये सारे वोट वोट में ही तब्दील होंगे। कई लोग तो जो सिर्फ सिर्फ अपने नेता के नेता को देखने आए हैं वो तो वोट डालने भी नहीं जाएंगे प्रमुख जी। तो ये बातें बड़ी साथ है, और एक बात मैं बड़ी अहम बोलना चाहता हूँ इस चर्चा में, साइलेंट वोटर की भूमिका बड़ी अहम होगी इन उत्तर प्रदेश के चुनावों में 2022 के। साइलेंट वोटर, स्विंग वोटर, रूरल वोटर, ग्रामीण क्षेत्रों का वोटर, साइलेंट वोटर और फर्स्ट टाइम वोटर। मैं विपिन जी आपकी बात से सहमत हूँ, और प्रेम जी आपकी बात से भी। ये जो साइलेंट वोटर है ना, वो साइलेंट वोटर इस बार बहुत साइलेंट है। हमने कई बार कुरेदने की कोशिश की, लेकिन वो साइलेंट वोटर ने अपना साइलेंट जो है बिल्कुल चुप्पी बिल्कुल साधे रखा, मौन धारण करा हुआ, मौन धारण। 2017 में ऐसा नहीं था, 2019 में ऐसा नहीं था, खुलकर बता रहे थे हम कहां वोट करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार वोटर साइलेंट। अब ये साइलेंट वोटर क्यों है, मैं ये समझ नहीं पा रहा। अब देवेंद्र प्रमुख साहब, सुना आपने प्रेम जी ने जो समझाया, जो विपिन जी ने समझाया कि ये वोट प्रतिशत कम होने का मतलब संकेत साफ है कि ये नुकसान बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, आप किस तरह से देखते हैं प्रमुख साहब? देखिए तिलक जी, प्रेम जी बहुत सुलझे हुए हमारे वरिष्ठ भी हैं और बहुत उनकी बात को काटना आसान नहीं है, तर्क के साथ बोलते हैं और विपिन भाई भी महारत हासिल रखते हैं। मैं बहुत डिबेट्स में दोनों साथियों के बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है, इनकी बात को काटने की मेरी हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने की हिम्मत रखता हूं। और बड़ी बात जो आपके माध्यम से मेरे सामने आई है वो साइलेंट वोटर को, ये मेरी व्यक्तिगत सोच भी थी, और मैं बिल्कुल ग्राउंड पर जमी पर काम कर रहा था पश्चिम के कुछ जिलों में। मैंने जाकर चुनाव का पहला जब दौर था पहले चरण में, उससे पहले ही काम काफी दिन से स्टार्ट कर रखा था, और ये चीज बड़ी समझने की थी कि वोटर जो है इतना साइलेंट क्यों है। कई जगह से विपक्ष की तरफ से भी आया और हमारी पार्टी की तरफ से भी आया, कई बयानों पर लंबी लंबी डिबेट हुई, लेकिन कहीं ज्यादा वोटर ने उस पर अपनी राय नहीं दी। लेकिन जिस समय चुनाव हो रहा था और जब चुनाव की भूमिका में हम लोग जितनी सीटों पर जा सकते थे, जहां जहां हम आसानी से गए जी, और खासकर अपने आसपास, अपने निवास पर, अपनी विधानसभा में, अपने यहां जहां वोट किया, उन बूथ की अगर मैं बात करूं तो जब वहां लोग खड़े हुए थे, उनसे पूछा गया आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से कम, कि आपने वोट किधर दिया, किसको दिया है, तो एक बड़ी गहरी चीज निकल कर आई। और आपने वो देखा भी है चैनल के माध्यम से, प्रेम सर बैठे हैं और विपिन भाई भी बैठे हैं, तो उन्होंने, किसी ने तो कहा हमने विकास को वोट दिया, किसी ने कहा हमने सुशासन को वोट दिया। तो मैं गहरी बात आपको बताने जा रहा हूं, उसमें बहुत कम लोगों की ये न्यूज के माध्यम से या ओपन होकर बात आई कि हमने सरकार बदलने के लिए वोट किया। ये चीज आनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से आनी चाहिए थी, जब सुशासन को दे रहे हैं आप, कानून के राज को दे रहे हैं आप, तो फिर आप जो है इतना बयान कर रहे हैं, ये नहीं बता रही कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे थे सुशासन को दे रहे हैं, विकास को दे रहे हैं, या ये भी कहा कि जिसने कोविड काल में हमारी मदद की उसको हम वोट दे रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं पश्चिम में, पश्चिम में किसान आंदोलन का भी असर नहीं था, पश्चिम में किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के लिए, देखिए किसान आंदोलन के लिए जिसने बोला है वो किसान आंदोलन की बात छोड़िए, राकेश टिकैत जी के साथ कुछ पार्टियां थी वो मिलकर बोलते रहे, वो तो चिल्ला रहे हैं, आज भी चिल्ला रहे हैं,
किसान भाई ये कर रहे हैं किसान भाई, लेकिन किसान भाई कर कहां रहे थे? नहीं, ये किलर जी, किसान भाई कहीं से कहीं तक नहीं कर रहे थे। मैं फिर आपको मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, मैं हो सकता गलत होऊंगा, विपिन जी और प्रेम जी, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप लोग दुरुस्त कर दीजिएगा, आप मेरे दोनों बड़े हैं विपिन जी प्रेम जी। मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, मेट्रो सिटीज में आप देख लीजिए वोटर बाहर नहीं निकलता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा कि इस बार वोट प्रतिशत कम हुआ। वो ग्रामीण क्षेत्र जहां पर आपने कहा कि भैया हमने फ्री का राशन दिया, फ्री की वैक्सीन दी, हमने आपको फ्री में सब कुछ दिया, आप हमें वोट दीजिए, यहां तक कि मंच से ये बात आई कि आपने मोदी का नमक खाया है, वहां पर वोट प्रतिशत कम हुआ। क्या वाकई देवेंद्र प्रमुख साहब ये आप लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है? देखिए तिलक जी, ये भी मंथन की जरूरत है। एक चीज मैं और ये भी कह देना चाहता हूँ कि नमक की बात में मक्खन लगाकर उसको कितना पेश किया जाए, ना मुख्यमंत्री जी का बयान ना प्रधानमंत्री जी का बयान। हो सकता है व्यक्तिगत व्यक्ति जो है कितनी कितनी गलतियां करते हैं, कई बार देश के प्रधानमंत्री को ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं कि हम जैसे लोगों की भी जो है सर झुकने लगते हैं और विपक्ष के अच्छे लोगों के सर झुकने लगते हैं कि जब लोकतंत्र की और देश की एकता अखंडता सम्मान की बात आती है तो हमें 12वीं पास मैट्रिक की बात ही नहीं कर रहा, आप गलत विषय में ले जा रहे हैं। मैं मैट्रिक पास की बात ही नहीं कर रहा, 10वीं वो छोड़िए उस बात को, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं आपसे, ये ग्रामीण इलाकों में वोट प्रतिशत कम होना, मैं गलत तो नहीं हूं ना? देखिए ईश्वर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ग्रामीण की बात कर रहे हैं तो किसान पर भी बात करें। अगर किसान को काम करना ही था, अगर किसान को सरकार से नाराजगी दिखानी थी तो आप बम्पर वोट की आप प्रतीक्षा करते थे और वो होना चाहिए था, क्योंकि किसान एक ऐसी जाति है, किसान एक ऐसी बिरादरी है, किसान एक ऐसा समाज है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ किसानी की बात करता है, जो भी कुछ मैं किसानी की बात करी ना, मैं उदाहरण के तौर पर, मैं उदाहरण के तौर पर कल का ही जिक्र कर रहा हूँ और कल के आंकड़ों के हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ किन किन जिलों में वोटिंग हुई। अंबेडकर नगर 2017 में लगभग 65%, लेकिन 2022 में 62% के आसपास। बलरामपुर 51% मतदान 2017 में हुआ था और 2022 में 49%। सिद्धार्थनगर 52% 2017 में हुआ था, इस बार 50%। बस्ती 57% हुआ था, 58% 2017 में, इस बार हुआ 56% के आसपास। संत कबीर नगर में भी यही स्थिति, 53% हुआ था 2017 में, 54% इस बार हुआ। महाराजगंज में भी, यानी कि वोट प्रतिशत कम होता हुआ दिखाई दिया इस बार। मैं सिर्फ उन जिलों की बात नहीं कर रहा जहां पर किसान प्रभावित क्षेत्र है, मैं तो उनकी भी बात कर रहा हूं जहां पर राजभर भी है, निषाद भी है, कुर्मी भी है, जो आपका वोटर हुआ करता था 2017-2019 में, वो वोट कम कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं आपसे। देखिए तिलक जी, वोट आपने राजभर का नाम लिया, अच्छी बात है, और आपने ओबीसी को लेकर खासकर चर्चा की है, उसमें चाहे मौर्य जी हो, राजभर जी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, उनको लाभ हुआ इस बात का। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है, आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया, छोड़ने से पहले वो एक बार विचार कर लेते। आज राजभर जी का बयान बराबर आ रहा है, मौर्य जी का बयान बराबर आ रहा है, मेरे समाज को, मेरे ओबीसी को ऐसे बात करते हैं, मेरे समाज को, मेरे ओबीसी को, जो बहुत बड़ी संख्या है इस देश में, और उस ओबीसी का नाम लेकर आप भी तो, आप भी तो, दे देकर, आप भी तो जाति, नहीं नहीं प्रमुख साहब, आप भी तो जाति दिखाकर मंत्री बनाते हैं ना, कि नहीं बनाते? मैं वहीं आ रहा हूं, उनको करने दीजिए, मैं वहीं आ रहा हूं, उस ओबीसी पर आ रहा हूं मैं, जिस ओबीसी का नाम लेकर राजभर और मौर्य जी ने अपने आप को मंत्रालय दिलाए, अपने आप को सीट दिलाई, और 5 साल मक्खन खाने के बाद कहने लगे कि ओबीसी को सम्मान नहीं मिला। मैं भी उसका हिस्सा हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आप ओबीसी के या मैं कैसे ठेकेदार बन जाऊंगा? आप एक साल के बाद ही तो इन्हीं को ठेकेदार बना के आपने सामने रखा, ये पार्टी ओबीसी के लिए काम नहीं करती, को ही ओबीसी का ठेकेदार आप ही ने तो बनाया, किसी और ने बनाया? आप ही ने तो बनाया था, कोई किसी को नहीं बना सकता, कोई किसी को नहीं बना सकता। राजभर ओबीसी का नाम लेकर आज राजभर की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी ने राजभर की ओबीसी का नाम लेकर मंडल वाली राजनीति तो आप ही ने की ना, ये मंडल करते हैं, ये मंडल वाली राजनीति करनी थी उन्हें, ये बात करनी थी अब से 4 वर्ष पहले, मंडल करनी बेईमानी है, मंडल वाली राजनीति अपनी हिम्मत पर, अपनी ताकत पर वोट, ओके ओके, अपने कर्मों पर, प्रेम जी निश्चित जनता को वोट दे सकती है। प्रेम जी,
ये ग्रामीण इलाकों में नहीं ग्रामीण इलाकों में वोट प्रतिशत कम होना कोई संकेत है? हाँ बहुत अच्छा संकेत है। एक मिनट प्रेम जी, ग्रामीण क्षेत्रों में वोट कम होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। जिन किसानों के नाम पर सरकार बदलने की दलीलें दे रहे थे ये वो लोग किसी को एक्स्ट्रा नहीं निकाल पाए। आप कह रहे 100% मतदान का सपना देख रहे हैं, आप कह रहे ग्रामीण इलाकों में कम हुआ, ये आज भी खड़े हैं। ओके प्रेम जी, प्रेम जी हमारे साथ थे जिन्होंने आज भी हमें वैसा ही समर्थन दिया है जैसा 2017 में दिया था। एक मिनट में आप सच के साथ कहने नहीं अभी अब करंट की बात हुई थी, अंडर करंट की बात है। अब कर साइलेंट वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास था इस चुनाव में। ओके गारंटी और सच के साथ प्रेम जी, आप उसका सर्वे करा लीजिए किसी पार्टी के पास। जितना रोका विपक्ष ने दिया, जितना किसानों के नाम पर धरना प्रदर्शन। ओके ओके प्रमुख साहब, प्रमुख साहब आज मैं बहस का उखेड़ने से मैं बहस के मूड में हुई नहीं, मैं चर्चा कर रहा हूँ। बक्कल उखेड़ने से की बात मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रमुख जी। आज भी प्रमुख जी साइलेंट वोटर था तो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। प्रमुख जी मैं तो चर्चा कर रहा हूँ, आप बहस क्यों पढ़ रहे हैं? बहस के चक्कर में चर्चा कर रहे हैं ना कि ये वोट प्रतिशत कम होने का मतलब क्या है। प्रेम जी आप इत्तेफाक रखते थे प्रमुख साहब की बात का, वो ये कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत कम होने का मतलब संकेत साफ है कि जनता उनके पक्ष में है। तो देवेंद्र जी को उस तरह से सोचने से मैं कैसे रोक सकता हूँ? वो सोचे उस तरह से मैं अपनी सोच आपको बता सकता हूँ। आपने ग्रामीण इलाकों की बात की, देखिए स्पष्ट रूप से हर जिले में आप देखते हैं तो ग्रामीण इलाकों में भी वोट घटे हैं और शहरी इलाकों में भी, लेकिन शहरी इलाकों में ज्यादा घटे हैं। इसलिए ये कहना कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोट घटे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हर जिले में मैंने आंकड़ों को देखा है, शहरी इलाकों में ज्यादा वोट घटे हैं। आप देखिए अयोध्या जिले में अयोध्या का वोट घट जाता है, हम जहाँ रहते हैं इधर देखिए साहिबाबाद में वोट घट कम हो जाता है, नोएडा में कम वोट हो जाता है। शहरी इलाकों में वोट घटे हैं, ग्रामीण इलाकों में कम वोट घटे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो पहले मैंने तर्क दिया था कि वोट प्रतिशत घटने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, उसका दूसरा पहलू मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो उदाहरण दिया वो छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया और वो बाइपोलर स्टेट जहाँ पर कि सीधे कांग्रेस और बीजेपी है। अगर उत्तर प्रदेश में जैसा कि तिलक जी आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इसके बारे में चर्चा कम हो रही है, अगर मैंने दो चरण का जिक्र किया है, मैंने तो मैंने मतलब नहीं निकलेगा। मैंने दूसरे और सेकंड लास्ट चरण का जिक्र किया जहां मुझे दिखाई दिया कि हाँ वहां पर प्रभाव है बीएसपी का त्रिकोणीय मुकाबले में। मैंने इसलिए जिक्र किया कि दूसरा और खासतौर पर जो छठा चरण है उसका, तो इसको इसी रूप में लिया जाए कि ट्रायंगुलर जहां कॉन्टेस्ट होगा तो फिर वो बात जो हमें बाइपोलर में दिखा कि 0.68% छत्तीसगढ़ में वोट कम हो जाता है तो बीजेपी 49-15% पे आ जाती है और उसका वोट प्रतिशत अपना लगभग 9% गिर जाता है। वैसा फिर उसी अनुपात में यहाँ नहीं तो फिर मैं ग्रामीण इलाकों का जिक्र ना, प्रेम जी मेरे को एक बात समझाइए, मैं ग्रामीण इलाकों का जिक्र क्यों ना करूं जहां पर यह कहा गया कि भैया हमने आपको फ्री में राशन दिया, हमने आपको फ्री में वैक्सीन दी। अगर वो वोटर भी बाहर निकलकर वोट नहीं डालता तो फिर इसका क्या मतलब है? तो आप सही कह रहे हैं कि ओवरऑल वोट प्रतिशत घटा, इसका मतलब मतदाताओं में उत्साह पैदा नहीं हुआ, ओवरऑल यही मतलब है और ये आपका प्रश्न भी उससे जुड़ा हुआ है। तो उत्साह पैदा नहीं हुआ तो ये जो सत्ता में है डबल इंजन की सरकार है उनके लिए उत्साह पैदा होने का फैक्टर होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। जो जबकि विपक्ष एग्रेसिवली जब मतदान कराता है, जब हमने देखा कि एक जादू तो है देश के प्रधानमंत्री के प्रति, लोगों का जादू तो है कि भैया आप वोट डालिए, एक अपील के साथ वो जाते हैं कि भैया आप वोट डालिए, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत कम होता है विपिन जी, और वो भी तब जिसका जिक्र मैंने किया कि 2012 से पहले बीजेपी जो है वो लगभग 14% और 15% के आसपास की पार्टी मानी जाती थी। 2014-12 से पहले का जिक्र कर रहा हूं मैं, 12 के आसपास का माना जाता था कि 14-15% 16% के आसपास की पार्टी है, लेकिन 39% के आसपास 2017 में सीधे तौर पर स्विंग, और अब जो ये आंकड़े हैं क्या कोई संकेत दे रहे हैं आपको? एके मिश्रा उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए मैं उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा चावला जी, कि यहाँ पर
कोरोना काल एक मुद्दा रहा होगा। विपिन जी, विपिन जी आपका नेटवर्क, मैं कनेक्ट करता हूं दोबारा से। लेकिन एके मिश्रा जी, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, क्या संकेत देता है? लगभग 54% के आसपास अब तक मतदान हुआ है, ये क्या कोई संकेत है इन आंकड़ों में? आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, संकेत बिल्कुल है। देखिए, इसमें सवाल ये है कि वोट परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो, सरकार तो बनेगी ही किसी की, कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा, या हंग टाइप का होगा तो फिर बाद में समर्थन लेना देना। तो वोट कम या ज्यादा होने से ये मतलब नहीं होता है कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी। अब सवाल यह है कि किसके लिए फायदा हुआ, किसके लिए नुकसान हुआ। मैं बहुत सारे चीजों पे सहमत हो सकता हूँ कि इसके पहले जो है वोट के परसेंट बहुत ज्यादा थे, तो उसके पीछे कारण ये था कि विपक्ष की पार्टियों ने बहुत बड़ी मेहनत की थी। अखिलेश यादव जी का लखनऊ में रैली देखिए और ये सब चीजें, उन्होंने बहुत क्राउड इकट्ठा किया था। लेकिन अब की बार वोट परसेंट इसलिए कम हुआ है, ये भी बोला जा सकता है कि भाई विपक्ष के जो मतदाता हैं, जो अखिलेश यादव सपा बसपा कांग्रेस के हैं, उन्होंने देख लिया 2014 में निकल के देखा, उन्होंने वो हार गए 2017 में, 2019 में, तीन तीन बार काट की हाड़ी को चढ़ा के देख लिया। तो ये भी तो हो सकता है कि जो विपक्ष के मतदाता हैं सपा कांग्रेस बसपा के, उनका विश्वास उनकी पार्टी से उठ गया कि भाई ये तो हर बार लड़ते रहेंगे और जीतना तो है नहीं, तो इनको वोट देने से क्या फायदा। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। अब कम हो या ज्यादा हो, अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो अब की बार भी जो है बीजेपी को फायदा होगा। एक तर्क ये है कि जी बीजेपी ने इकट्ठा किया था, नए लोगों को निकाला था, मैं बोलता हूं उन नए लोगों को माइनस कर दीजिए। ये नए लोग वही होते हैं जो उदासीन होते हैं और कोई नया मुद्दा या पॉजिटिव चीज आने पर रैली को रेला में बदल देते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। तो उदासीन कौन होता है वोटिंग के टाइम पे? उदासीन वही होता है जिसको लगता है यार वोट देने से क्या फायदा, ये तो जीतने वाले है नहीं, तो काट की हाड़ी कितनी बार चलाएंगे। तो मुझे ये लगता है बीएसपी, देखिए कोई एग्रेसर नहीं है, बीएसपी एकदम शांत बैठी है। कांग्रेस की प्रियंका दीदी आई, वो उनका मुद्दा केवल फीमेल तक जो है लिमिटेड रह गया, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण तक लिमिटेड हो गया, ओवरऑल वोटर को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। देखिए, अगर विपक्ष अच्छे तरह से नहीं लड़ेगा तो वोटर का परसेंटेज कम हो जाता है वोटिंग का। तो ये एक संकेत ये भी है कि विपक्ष ने जो कैंपेन किया उस पर लोगों का भरोसा ही नहीं हो रहा है, तो उनके वोटर निकल ही नहीं रहे यार, बार बार निकलते हैं, दिन भर लाइन में लगते हैं। जो विपक्ष के वोटर हैं वो बाहर नहीं निकले, ये जो वोटर निकले वो सारे बीजेपी के थे। नहीं, तर्क ये बोल रहा है, मेरा अपना परसेप्शन है, मैंने पहले बोला बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए, आदमी कितनी बार कोशिश करता है, जो विपक्ष के वोटर है पिछले 8 साल से कोशिश कर रहे हैं ये जीत जाए, ये जीत जाए, जीत ही नहीं रहे हैं। तो उनका विश्वास विपक्ष के नेताओं से हट गया, उसके पीछे लॉजिक है। प्रियंका गांधी ने केवल फीमेल को टच किया, मेल को टच किया ही नहीं, और कोई मुद्दा टच किया ही नहीं। अच्छा, बहन जी जो एक बहुत सशक्त माध्यम होती है वोटिंग पोलिंग को आगे बढ़ाने में, वो एकदम शांत रही। तो जो उनका वोट बैंक है तो वो ये सोचता है कि जब हमारी नेता नहीं निकल रही है तो हम क्यों निकले। तो ये सब फैक्टर है, वोटर आखिर गए तो कहां गए और कौन से वोटर गए? जो एक्टिव है उनके वोटर है, उनके वोटर पहले भी थे, उनके वोटर आज भी है, जो सो गए उनके वोटर भी सो गए। तो अब आप बताइए कौन सो गया चुनाव में? यानी आप ये कह रहे हैं, प्रमुख जी से पूछिए, मैं तो इनको क्रिटिसाइज करता हूं बीजेपी को। अच्छा, करते हैं आप। हाँ, अरे आप इनसे पूछिए ना, वोटर सो गए तो कौन से वोटर सोए? नहीं, वो तो ये बताएंगे कौन से सोए और क्यों सोए। वो तो पन्ना प्रमुख बना के चुनाव लड़ते हैं, आप उनको कह रहे हैं, आप क्रिटिसाइज करते हैं आप उनको, वो तो पन्ना प्रमुख बना के। अरे तो किसने किसने मना किया था कि बीएसपी या सपा को की लाइन प्रमुख बना दीजिए? एक पन्ने में 10 लाइन होती है, इनसे 2 कदम आगे रहिए, लाइन प्रमुख बना दीजिए आप। तो क्यों नहीं बनाया आपने लाइन प्रमुख? अच्छा, ये ग्रामीण इलाकों में कम वोटिंग का क्या संकेत है, आपको क्या लगता है? बहुत बहुत बड़ा संकेत है। ग्रामीण जो वोट बैंक होता है वो परसेप्शन रिलेशन बेस पे चलता है, ठीक है, मतलब आइडियोलॉजी पे चलता है कि हम बीएसपी के वोटर हैं तो जी हम बीएसपी के ही रहेंगे, वहां खानदानी और वर्षों बरस तक रहते हैं। अगर वहां पे भी वोटिंग कम हुआ तो वही हुआ जो हार्ड कोर कैडर बेस्ड वोटर होते हैं सपा के बसपा के,
क्योंकि ये लोग एकदम सुस्त रहे सपा बसपा वालों का, इनके वोट बैंक वाले परेशान हो गए हैं कि भाई कितनी भी मेहनत कर लो ये जीतने वाले नहीं है, एक महीने पहले ये निकलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उन्हीं का वोट बैंक सोया है जिसके कारण ये 2-5% की गिरावट दिख रही है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो दलित वोटर जो बाहर निकलकर मायावती के लिए वोट करता था वो नहीं निकला, निषाद आप मुझे ये बताइए मायावती जी की कोई एक रैली नहीं हुई जो लखनऊ में पूरे पार्क को अंबेडकर पार्क को भर दे। मायावती की रैली की शुरुआत होती थी अंबेडकर पार्क भरो, तो अंबेडकर पार्क में जितने वोटर आते हैं वो तो सुस्त है, वो सो गए। प्रमुख जी, मतलब ये जितनी बात मैं समझ पाया एके मिश्रा जी की, कि हाथी की सूंड में कमल का फूल, इसका फायदा आप ही को मिलेगा। नहीं नहीं, नहीं, इसमें एक 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 चीज आपने जोड़ा नहीं, सर्कस में हाथी साइकिल पे बैठ के कमल का फूल लेके पूरे उत्तर प्रदेश का चक्कर लगा रहा है, ये जो चुनावी सर्कस चल रहा है उसमें ये रेशियो है कि साइकिल पे हाथी बैठा, साइकिल बेचारी दबती चली गई और उसके सूंड में कमल का फूल आ गया। अब किसके ऊपर वो जाके कमल का फूल फेंकेगा ये देखना है, किसके गले में माला डालेगा। प्रमुख साहब ये कह रहे हैं ये शुभ संकेत है आपके लिए, अगर मायावती का साइलेंट होना मतलब बीजेपी को फायदा। तिलक सर, मैं मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि सनातनी के सही और अच्छे रक्षक हैं और ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होकर अपने कर्म को सबसे पहले करते हैं, चाहे किसी डीवी डिबेट में बैठे हों, बेशक चाहे भारतीय जनता पार्टी को भी कभी कभार काइना दिखाते हैं, लेकिन जब सनातन की बात आती है तो खुलकर बोलते हैं। तो ये जो बात कही है हाथी के कमल के फूल की, ये आध्यात्मिक रूप से भी बहुत मायने रखती है। लेकिन हाथी के दांत खाने के और तिखाने के और होते हैं, सवारी है ज्यादा किस्मत हो आप। और कमल का जो फूल है उनके जब वो रखकर हाथ में और उनका आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा तो साइकिल तो अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगी। अच्छा, बचेगी कहां, मतलब अपने से ज्यादा मायावती से उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद किसी से यू नहीं है। देखिए तिलक जी, उम्मीद किसी से यह नहीं है कि 300 प्लस का नारा दिया है, 300 प्लस सीट जीतेंगे, 10 तारीख के बाद फिर आपके साथ बैठेंगे। नारे तो पश्चिम बंगाल में भी दिए आपने, उत्तराखंड में भी दिए, मिश्रा जी भी होंगे और हम भी होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं देख रहा था कुशीनगर की बात करूं, कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य, अंबेडकर नगर जिले की बात करूं तो मायावती का प्रभाव, वो भी तब जब आप लोगों की सुनामी हुआ करती थी, 5 सीटों में से 3 सीटें तब भी बीएसपी ने जीती। ग्रामीण इलाकों में 20-25% दलित वोटर, जिनका जिक्र मैं लगातार ये कह रहा हूं, भले ही मिश्रा जी कह रहे हैं, लेकिन दूसरे और छठे चरण में संकेत है कि त्रिकोणीय मुकाबले हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर राम अचल, राजभर लालजी वर्मा, निषाद, ये तमाम फैक्टर देखे गए पूर्वांचल में, क्या इसको भी नजरअंदाज कर देंगे आप, जो आपके लिए 2017 में वोट मांग रहे थे वो आज आपके खिलाफ खड़े? देखिए बहुत अच्छा नाम लिया, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि पूर्वांचल का जो पहचान था उसका उनका नाम नहीं लेते आप। पूर्वांचल जो है क्राइम से त्रस्त, से गुंडागर्दी से लूटपाट से जिससे त्रस्त था, उसको सिंगल एक व्यक्ति ने मिटाया और वो है इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उनका इतना दम है कि पूर्वांचल उनको डबल इंजन की जो सरकार के मुखिया हैं उनके नाम पर पहले से भी ज्यादा शानदार जीत देने जा रहा है। तिलक जी, मैं भी आपके साथ होऊंगा और एक पैनल और भी अच्छा आपके साथ होगा, और भी लोग होंगे, आप देखना। राजभर की बात करो, आप निषाद की बात करो, ये लोग वो हैं जो मौका प्रश्न है, वो बसपा के साथ जा सकते हैं, वो सपा के साथ जा सकते हैं। अच्छा, आपके साथ जो उन्हें ओबीसी को एससी को बेच सकते हैं, उनको लोग समझ चुके हैं, वो एक एक सीट के लोग थे और एक एक सीट पर वो बड़े सर थे, आपके साथ थे जीरो पर खड़े, आपके साथ थे तो वोट कन्वर्ट कर देते थे आप, कुछ नहीं है पूर्वांचल में उनके लिए,
पूर्वांचल ऐसा इस देश का हिस्सा है, इस प्रदेश का, कि सारे डिसीजन तत्परता के साथ और सोच समझ कर लेता है। एके मिश्रा, एके मिश्रा, यानी ठीक है आपके साथ थे तो आपके लिए वोट कन्वर्ट कर लेते थे, इकट्ठे कर लेते थे वोट, लेकिन आपके साथ नहीं है तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो चलेगा ही नहीं, दाव ही नहीं चलेगा, ना मौर्य चलेंगे, ना निषाद चलेंगे, ना राजभर चलेंगे, ये कोई नहीं चलेगा। ओके, लेकिन मुझे आप एके मिश्रा एक बात समझाइएगा, आप मैं वोट किस तरह किस तरफ पड़ते हैं उसका जिक्र करने जा रहा हूं आपसे, और उसको जरा मुझे समझाइएगा। 2002 54%, 2004 58%, 2007 46%, 2009 48%, 2012 करीब 60%, 2014 इस पर मैं ज्यादा जोर दूंगा, तब सुनामी का जिक्र किया था, तब 58% के आसपास वोट पड़े थे, 2017 61%, 2019 करीब 59%। ये कोई संकेत है कि नहीं है, जहां वोट प्रतिशत जब सुनामी का जिक्र किया जाता है तब भी 58% के आसपास वोट पड़े आपको, और 2017 में 61%, और 2019 में 59% के आसपास। देखिए चावला जी, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह है, 1,00,000 लोगों ने फार्म भरा, उसमें से 80,000 लोगों का फार्म सेलेक्ट हुआ, 60,000 लोग परीक्षार्थी पहुंचे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टॉप नहीं करेगा, टॉपर्स तो होंगे ही, उसमें से सक्सेस होने वाले भी होंगे और फेल होने वाले भी होंगे। मेरे कहने का मतलब निम्नतम स्तर जब आपने बताया 48%, तब भी किसी न किसी की सरकार बनी होगी। वोट कम और ज्यादा होने का मतलब सिर्फ ये है कि पब्लिक का उत्साह कितना है। अब इसके दो फैक्टर है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये होता है कि विपक्ष के जितने वोटर हैं, वोट बैंक है, जैसे मायावती जी का, पार्टी सोई है तो वोटर भी सोए हैं, ये जानते हुए हमारे नेता ही एक्टिव नहीं है, या हमने पहले भी बड़ी कोशिश की ये तो जीतते हैं नहीं, तो क्या वोट दिया जाए, इसके कारण कमी हो जाती है। दूसरी कमी एक और कारण के होती है, स्पेशली बीजेपी की वो कमी है, मैं वो बताऊंगा। बीजेपी का जो हार्डकोर या जो नए शिफ्ट हुए थे बीजेपी में, उनको ये लगता है यार कि जीतना तो है ही बीजेपी को, हम नहीं जाएंगे वो तब भी जीतेंगे, ठीक है परसेंटेज कम या ज्यादा हो जाएगा तो वो भी नहीं निकलते हैं वहां पे। तो ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जिसके कारण वोट का परसेंट कम हो जाता है। अब इसमें जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसने ज्यादा मेहनत की है, जिसने लगातार मेहनत की है, परसेंटेज भले कम ज्यादा हो जाए, मेरिट भले कम ज्यादा पे हो जाए, लेकिन जिसने सतत मेहनत की है, लगातार मेहनत की है, क्योंकि उसके वोटर हमेशा एक्टिव रहे हैं, उसके कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहे हैं, तो जैसे वो 5 साल एक्टिव रहे, वो 1 महीने और एक्टिव रह लेंगे, जाके बूथ पे अपना वोटिंग कर देंगे। जो 5 साल से सोया हुआ है वो 1 महीने में बोलेगा यार क्या उठूं मैं, क्यों अपनी नौकरी छोड़ के जाऊं देने के लिए। तो ये एक फैक्टर है, दोनों तरफ से परसेंटेज में कमी आई है। सवाल ये है कि वोट कम होने का मतलब ये है कि इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पे लॉजिकल डिबेट की जाए। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम भी होती तब भी बीजेपी को फायदा होगा। भाई आप मुझे ये बताइए, 19% का सीधा सीधा वोट बैंक मायावती जी का होता है, लगभग 18-19% 15 से 19 17% का, हाँ, और 17% के आसपास, 16-17% के आसपास समाजवादी का होता था। आप उठा के देखिए, यही रेशियो जो हमने आपने बताया यही निकलता है। नहीं, अब मायावती जैसी बिग प्लेयर, आप ही के सवाल को आगे ले जा रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में माना जाता है कि लगभग 30% वोट जिसके पास पड़ गया वो समझिए कि सत्ता के सिंहासन पर पहुंच गया। तो यहाँ आपको ये लग रहा है कि जीतने वाले जाते हैं, यहाँ 30% का वोट बैंक है वो बीजेपी के पक्ष में, आपको ये दिखाई दे रहा है, उसके चांसेस ज्यादा इसलिए है। देखिए फैक्ट बताऊं, सबसे बड़ा हार्डकोर वोट बैंक मायावती जी का होता था, तो 19 की जगह वो 15 पहुंच जाए, 10% पहुंच जाए, इनएक्टिव है। कांग्रेस का भी अगर हम 5-6% मान ले, मेरे ख्याल से एवरेज इतना ही रहा होगा चुनावों में, तो उन्होंने जब आधे ही वोट बैंक को कवर किया, केवल फीमेल को, उनका चुनाव प्रचार न होकर नारी सशक्तिकरण का सामाजिक काम ज्यादा मुझे लगा, तो बहुत कन्विंस नहीं था, ठीक है, तो ये वहां पे भी कम होगा। सपा के चुनाव में जो भीड़ आ रही है वो सारी किराए की है आपके मतलब? नहीं, किराए की नहीं है, चुनाव में भीड़ कैसे आता है मैं बताता हूँ।
मान लीजिए कि प्रयागराज के 30 किलोमीटर दूर कोई रैली हो रही है एक छोटे से तहसील में, वाराणसी मान, क्या केवल तहसील के लोग आते हैं? वाराणसी की नहीं, हम अभी एक छोटे तहसील की बात करेंगे, चलिए ठीक है, वाराणसी नहीं प्रयागराज मान लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वाराणसी इसलिए नहीं मानेंगे, हम अभी बात कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर वाराणसी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है मैं बताऊंगा। तो केवल उस तहसील के लोग नहीं आएंगे, उस तहसील के वोटर और कार्यकर्ता भी आएंगे, कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जो होंगे तो भाजपा के या बीएसपी के, लेकिन अखिलेश भैया की बातें सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जरूर आएंगे। क्या बोलते तो हैं, एंटरटेनमेंट तो बीजेपी के रैली में मिलता है ना? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, कैसे भीड़ का जो परसेंटेज है मैं आपको बता रहा हूँ, पाई चार्ट। अच्छा, मतलब जो भीड़ के जिले भी आएंगे, यानी आप ये कह रहे हैं जो भीड़ बीजेपी के रैली में इकट्ठी होगी वो वोटर है, जो समाजवादी पार्टी की रैली में इकट्ठी होगी वो वोटर नहीं है सपा का? ज्यादातर चांसेस इस चीज के होते हैं। देखिए एक फर्क देखिए, बीजेपी में जो भीड़ इकट्ठी होती है ना वो स्वतः स्फूर्त होती है, स्वतः स्फूर्त मतलब एक ग्लैमर है, अरे यार मोदी जी आ रहे हैं चलो सुनते हैं, जैसे कभी इंदिरा गांधी को, अटल जी को या किसी और बड़े नेता को लोग सुनते थे, अरे यार योगी जी आ रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूं वो योगी या मोदी को वोट नहीं देंगे, लेकिन एक करिश्मा तो है ही उनका लीडरशिप में, तो वो गंभीर होकर सुनने के लिए आते हैं, पक्ष और विपक्ष के लोग भी। विपक्ष के लोग इसलिए आते हैं कि भाई क्या गंभीर बातें इन्होंने की, क्या मुद्दा इन्होंने किया है, ताकि वो आकलन कर सके कि उनको कहां पे डेंट लग रहा है, कहां पे पेंट लग रहा है। तो ये सभी के साथ होता है, जरूरी नहीं है कि किसी रैली में जो भीड़ दिखाई दे रही है वो सारे हार्डकोर वहां के पोलिंग बूथ में लिस्टेड वोटर हो, वो अगल बगल के बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत पर्पज के लिए आते हैं। रैली में भीड़ दिखना एक मानक हो सकता है, मानक 100% मानक नहीं हो सकता। मैं आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं, फिर प्रमुख साहब आपके पास आऊंगा। यानी जो जो 2017-2019 में वोटर, जो साइलेंट वोटर जिसे आज कहा जा रहा है, वही साइलेंट वोटर 2017 और 2019 में जब चिल्ला रहा था कि हम किसको वोट कर रहे हैं और आज शांत है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो पक्ष में बीजेपी के। तिलक जी, चिल्लाने की बारी अब की बार जो है उनकी है, जो एक साल से बैठकर सड़कों पर चिल्ला रहे थे और तरह तरह से किसान भाइयों के नाम पर या दंगे फिसाद के नाम पर या 80-20 का नाम लेकर या हिंदू मुस्लिम की बात लेकर काम कर रहे थे। हमारे तो साइलेंट वोटर सीधे कह रहे हैं, मैंने पहले क्लियर किया था, अगर किसी साइलेंट वोटर साइलेंट नहीं होता, प्रमुख साहब आपका साइलेंट वोटर कभी साइलेंट नहीं होता। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, साइलेंट नहीं है, बात करने का तरीका अलग है। अच्छा, जब किसी न्यूज चैनल के आपके ग्राउंड रिपोर्टर ने जाकर वहां ग्राउंड पर बात की तो साफ कहा कि सुशासन को, विकास को, और कोविड काल में जिसने हम लोगों की मदद की उनको वोट किया। ये नहीं किया कि बीजेपी को वोट किया, ये नहीं किया कि सपा के खिलाफ किया, ये नहीं किया कि सरकार को हटाने के लिए वोट किया। तो इससे बड़ा समर्थन क्या देखना चाहते हैं हम? और एक हमारी पार्टी जो उसका कल्चर भी है कि हमारे लोग जो है कम आवाज करते हैं थोड़ी सी। अच्छा? और राष्ट्र के खिलाफ या बदतमीजी की बात यहाँ कम करते हैं। ओहो, अच्छा। विपक्ष के लोग बक्कल उखेड़ देते हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, गृह मंत्री के लिए बदतमीजी कर सकते हैं। अच्छा, याद आया, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ। क्या हमारा कल्चर और भगवा नहीं सिखाता? अच्छा, अच्छा, याद आया, हम बोलते जरूर है लेकिन धर्म की रक्षा के लिए। हाँ। भगवा पर उंगली उठने के बाद जवाब देते हैं। अच्छा, धर्म की रक्षा, पहले ही बदतमीजी को उतराए। अच्छा, धर्म की रक्षा, और वो भी उन लोगों को दिया जाता है जिनको अकल ठिकाना करने के लिए जो कश्मीर पर बैठकर चर्चा करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान या इस तरीके की बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के सम्मान को लेकर कहीं ना कहीं ऐसी उंगली उठने लगती है तो हम जरूर कभी कभार खड़े बोल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मर्यादा में रहते हैं। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए आप खड़े होते हैं। ओके, अब मुझे, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से, जरा वो वरुण गांधी का एक ट्वीट होगा, वो याद आ गया मुझे, मैं भी भूल गया था आज सियासी चर्चा में। एक वरुण गांधी का ट्वीट है, प्लीज प्ले करिएगा। ये ट्वीट देखिए, सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती ना करने के कारण पांव में छाले, 3 साल से दौड़ रहे हैं युवा, हताश हैं, बढ़ती उम्र के कारण अयोग्य हो रहे हैं, इन युवाओं को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने वाले इन युवाओं की आवाज राष्ट्रवादी सरकार तक पहुंचानी चाहिए।
साहब ये ट्वीट देखा आपने, ये आप ही के हैं ना वरुण गांधी जी? नहीं, आप कह रहे हैं आपने लोगों को पकड़ पकड़ के, आपने लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी है, और ये तो ट्वीट करके कह रहे हैं वरुण गांधी? नहीं, 3 साल हो गए, बताइए, युवा दौड़ रहे हैं, पांव में छाले हैं, आप कह रहे हैं इतना विकास किया आपने? देखिए तिलक जी, हमारे व्यक्ति होकर, हमारी सरकार के सांसद होकर और हमारी सरकार के हिस्सा होकर आम जन की बात उठा रहे हैं, और कोविड काल में 3 वर्षों का जन्म इन्होंने जिक्र किया, 2.5 वर्ष खराब हो चुके हैं, क्यों? और मैं इनको जो है फिर भी शाबाशी दूंगा आपके माध्यम से। अच्छा, क्योंकि हमारी पार्टी के सांसद, मैं पार्टी के पास मेरे बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने फिर भी 3 साल का जिक्र किया और आज भी लोगों के वो हितेशी हैं, चिंतन की बात कर रहे हैं, चिंता की नहीं, और चिंतन करना कोई सिखाए तो उसको सीखना चाहिए। तो दरवे, ये हमारी पार्टी की मर्यादा है प्रमुख साहब, तो आप मुझे यही बता दीजिए, सकरा नियम होने के बाद भी पार्टी में तो कोई, आप ये कह रहे हैं कि 3 साल में 2 साल कोरोना में चले गए, युवाओं की बात उठाई तो बिल्कुल चिंतन किया जाएगा। 3 साल में, 3 साल में सरकार रिपीट होती है, कोविड काल जैसी घटना नहीं घटती है, घटना तो निश्चित जो है वरुण जी की बात को भी सुना जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि वो पूरा हो। प्रमुख साहब, 3 साल में से 2 साल कोविड का जिक्र आपने किया, 3 साल में कोई चुनावी रैली नहीं हुई, प्रधानमंत्री ने कोई चुनावी रैली नहीं की कि नहीं की? देखिए तिलक जी, जितना कोविड काल की बात आप कर रहे हो और हमने उसका पालन किया है, पालन किया है, आज भी हो रहा है, चुनावी रैली आयोग ने परमिशन दी है, चुनावी रैलियों में आज भी हो रहा है ना सर पालन? तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, जब आप लोगों की चुनावी रैली हो सकती है तो इनकी परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती, क्यों सेना में भर्ती नहीं हो सकती, क्या गलत कह रहे हैं वरुण गांधी? बिल्कुल, तो फिर आप कोरोना को बहाना क्यों बना रहे हैं? नहीं, बहाना नहीं बनाया मैंने, बहाना नहीं बनाया मैंने, तो आपको कारण बताया। नहीं तो कारण तो मतलब आपको नौकरी देनी है तो कोरोना कारण है, आपको वोट मांगने है रैली में तो वो कारण नहीं है, तब रैली में जिंदाबाद के नारे लगेंगे, तब रैली होगी, भीड़ इकट्ठी करके लाओ और भीड़ दिखाओ किसके पास कितनी ज्यादा है, तब कोरोना नहीं आता आप लोगों को। याद एक चीज और गहनता से बता रहा हूं आपको, कोरोना का छोटा मत गिनिए, पूरे विश्व की कमर तोड़ चुका है, और ये जो नौकरी ये की बात का ट्वीट पढ़ा आपने, ये करिए दोबारा से, समस्या है दोबारा से प्रेक करिए, दुनिया की समस्या है। प्रमुख साहब क्या लिख रहे हैं वो दोबारा देखिए ना, ट्वीट को ले जाकर इसे दुनिया का हिस्सा ना बनाएं। मैं ट्वीट को, कोरोना का मैंने कोई कमजोर, ये ट्वीट गलत लिख रहे हैं वो, या तो आप बोलिए वरुण गांधी ने गलत लिखा, आप बोलिए वरुण गांधी ने गलत लिखा, सेना और सैनिक बलों में भर्ती ना आने के कारण, वो बता रहे कि भर्ती नहीं की आपकी सरकार ने, पांव में छाले पड़ गए, 3 सालों से दौड़ रहे हैं युवा, वो बता रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं युवा, वो बता रहे हैं, राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने वाले वो लिख रहे हैं, मैं वही पढ़ रहा हूं, राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने वाले इन युवाओं की आवाज राष्ट्रवादी सरकार, वो लिख रहे हैं राष्ट्रवादी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ये आप ही के नेता लिख रहे हैं, शाबाशी दे रहा हूं, अच्छी बात है, और राष्ट्रवादी सरकार को गलत थोड़ी कह रहे हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं सर, ये वरुण जी मतलब युवाओं को नौकरी नहीं देंगे, स्क्रीन पर लीजिए, स्क्रीन पर लीजिए प्रमुख साहब को, युवाओं को आप नौकरी नहीं देंगे, कौन से राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद है युवाओं को नौकरी ना मिले, सेना में भर्ती ना हो, युवाओं के पैरों पर छाले पड़ जाए, ये राष्ट्रवाद है आपका? युवाओं को रोजगार दिया, युवाओं का सम्मान किया, युवाओं के लिए सब कुछ किया, लेकिन कोविड काल की जो बात की है मैंने फिर आपको दोहरा रहा हूं कि 2 वर्ष जो है वो बड़े कीमती थे, कीमती थे, तभी चुनावी रैलियां हो रही थी, नेता है वरुण भाई, हाँ, उन्होंने भी 2.5 वर्ष का जिक्र किया है, तभी चुनावी रैलियां हो रही थी, नहीं किया तभी रैलियां हो रही थी, तभी चुनाव हो रहे थे, उसका हिसाब मांगते तो आपके लिए आसान होता। अच्छा, उन्होंने बड़े तरीके से मांगा, उनको भी पता है क्या मांगा, आप मुझे ये समझा रहे हैं कि हमने मोदी जी का नमक खिलाया है लोगों को? नहीं, मैंने नहीं कहा आपको, मोदी जी ने भी नहीं कहा, नहीं कहा, अगर किसी की भावना है और उसने अपनी भावना से अपनी बात प्रकट कर दी तो उसे मैं रोक भी नहीं सकता। अच्छा, और मोदी जी भी नहीं रोक सकते। ठीक है सर, चलिए अब मिश्रा जी को चलते चलते शुक्रिया तो अदा कर दीजिए सर, उन्होंने आपकी सरकार बना दी 300 पार वाली। नहीं, हमेशा करता हूं मैं, हमेशा करता हूं। मैंने कहा सरकार बनाई चावला जी, मैंने बोला बीजेपी जीत रही है कि सपा जीत रही है। चलते चलते एक जरूर पूछ दूंगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि साइलेंट क्यों है। देखिए, ये बात मैं मानता हूं, अब की बार पक्ष विपक्ष के वोटर साइलेंट है, साइलेंट इसलिए है, पता नहीं क्यों चुनाव के पहले अखिलेश भैया ने ये बोला था, हमने सबकी लिस्ट बनाई है सोशल मीडिया वगैरह पे, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम सबका हिसाब बराबर करेंगे।
जो वोटर चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि हमने साइकिल पे वोट दिया या कहीं पे दिया, वो डर गए हैं, वो डर इसलिए गए हैं, डर गए कि कहीं अखिलेश भैया की अगर सरकार आ गई तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, आप तो नहीं, इसलिए वोटर डिक्लेयर नहीं कर रहा है, भले भले ही वो साइकिल पे वोट दे रहा है आप, लेकिन आकर के वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है। ओके ओके, आप तो नहीं थे, हम तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं सर, मेरा नंबर तो सबसे पहले है, सबसे मुझे तो डर है कि मेरा नंबर सबसे पहले है, मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि मेरी सुरक्षा की जाए। प्रमुख साहब है ना, क्या दिक्कत है आपको, टेंशन मत करो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब, आपका भी, एके मिश्रा आपका भी। तो ये अंकगणित की कहानी जो कि दिग्गजों की जुबानी, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।